हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने आईको के मोबाइल में दोस्तों आप कीबोर्ड पे फ़ोटो को कैसे ऐड करोगे। दोस्तों अपने आईको के मोबाइल अगर आप कीबोर्ड पे फ़ोटो लगाना चाहते हो दोस्तों आप कीबोर्ड पे फ़ोटो कैसे लगा सकते हो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों कीबोर्ड पे फ़ोटो लगाने के लिए दोस्तों कीबोर्ड थीम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपने आईको के फ़ोन में क्या करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पर कैमरा सेटिंग इस तरीके से शो कर रही है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में एरो वाला, इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड सेटिंग शो हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे तो थीम सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो अपने फ़ोन में यहाँ पर आप कलर थीम को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कलर थीम है, तो यहाँ पर आप किसी एक पे भी क्लिक करके अगर आपको पिंक कलर पसंद है पिंक पे क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर आपके देख सकते हो जो कीबोर्ड है दोस्तों ये पिंक कलर का हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको रेड कलर पसंद है ग्रीन कलर पसंद है तो यहाँ पर आप रेड पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इस पे इस वाले पे क्लिक करोगे स्काई कलर पे तो यहाँ पर आप स्काई कलर थीम को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप कीबोर्ड की थीम को चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड पर आप अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हो बैकग्राउंड में। उसके लिए आपको जो थीम पे ऑप्शन का यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट प्लस वाला आइकन माई थीम, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी फ़ोटो आप उसको ऐसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी फ़ोटो को दोस्तों यहाँ पर आप एडजस्ट करो पहले, ठीक है। दोस्तों फोटो को एडजस्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा मत करना और ज़्यादा डिक्रीज भी मत करना, मतलब नॉर्मल रखो 70-75% यहाँ पर आप सेट कर लो, ठीक है। डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करते ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको बैक हो जाना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो आपकी जो कीबोर्ड की फ़ोटो है चेंज हो जाएगी। दोस्तों आपने जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करी होगी आपने अपनी फ़ोटो जो भी बोर्ड पेपर आपने सेलेक्ट करा है आपके कीबोर्ड पे वो यहाँ पे शो हो जाएगा और आप ऐसे उसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड थीम सेटिंग को, कीबोर्ड पे आप वॉल पेपर वगैरह आप ऐसे सेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर तो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आके एक और फ़ोटो ऐड कर सकते हो, जो भी फ़ोटो आपको पसंद है आप उसको ऐसे ऐड करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो को ऐड करो, नेक्स्ट करो, ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करो, सेटअप करो, अप्लाई करो। अब दोस्तों तो आपके कीबोर्ड की फ़ोटो चेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो कीबोर्ड सेटिंग को लेकर कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय दोस्तों।